हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे जो अगला लोगो है जो ट्विटर का वो जो चेंज होने वाला है, क्या वो फ्लोकी में चेंज होने वाला है या हो चुका है या फिर अभी डोज कॉइन में चेंज होने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि इलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर का लोगो डोज कॉइन में चेंज किया, तो डोज कॉइन जो था वो काफ़ी एक अच्छी खासी बुल रन तक जा चुका था। ऑलमोस्ट हमने देखा कि $0.1 तक उसकी प्राइस जा चुकी थी और हमें 30% का जो करीबी हमें गेन भी दिलाया डोज कॉइन ने, और काफी ट्रेंडिंग में गया। तो जहां पे डोज कॉइन ट्रेंडिंग में जाता है तो वहां पे आप जानते हैं कि एब्सोल्युटली जो फ्लोकिनो है वो भी ट्रेंडिंग में जाता है, फ्लोकिनो भी बढ़ता है। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो फ्लोकिनो को लेके और डोज कॉइन को लेके करेंगे और देखेंगे भाई किस तरह जो लोगो चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह जो हमारी मार्केट है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। एडमिन की हम सारी की सारी जो बातें हैं वो फ्लोकिनो को लेके इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी फ्लोकिनो की वीडियो की तरफ मूव करूं, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्लोकिनो हो, किशुइनो हो, लवलीनो हो या कोई भी क्वाइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी कंटेंट हो या कुछ भी निकल गया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज को मिस ना कर सके। तो यहाँ पर छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्ट एट योर ऑन रिस्क। क्योंकि मैं जो न्यूज है, जो चीजें निकल के आती हैं, जस्ट वही चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो भाई बात करें फ्लोकी को लेकर, तो भाई फ्लोकी 122 नंबर पे रैंक कर रहा है 0.40 देर के बाद 3750 उसकी करंट प्राइस है। पिछले 24 घंटों में 9.4% बढ़ चुका है, बीटीसी के हिसाब से 10.9% और इथेरियम के हिसाब से 10.1% जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है हमारा फ्लोकिनो। अब उस फ्लोकिनो के साथ अगर मैं बात करूं, जो उसकी प्राइस की बात करूं, तो भाई हमने देखा कि भाई जो फ्लोकिनो जो एनुअली बेसिस पे हमें 6% का गेन दिला चुका है, 30 दिनों में 10% डाउन जा चुका है, 14 दिनों में 2.2%, और हमने देखा कि पिछले 7 दिनों में ये हमें 11% 11.5% का हमें ऑलरेडी जो फ्लोकिनो है वो गेन दिला चुका है। तो भाई ये तो करंटली फ्लोकिनो के हालात हैं। अब यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखा जाए तो भाई 62 स्कोर के साथ जो हमारी मार्केट है वो एक ग्रीड कंडीशन में देखने को मिल रही है। जो कल भी 63 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीड कंडीशन में देखने को मिली थी, उसके साथ अगर मैं बात करूं लास्ट वीक तो भाई 59 स्कोर के साथ जो हमारी मार्केट थी वो एक ग्रीड कंडीशन में थी। तो यहाँ पे लास्ट मंथ की बात करूँ तो 47 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में देखने को मिली। तो दोस्तों ये तो हो गए मार्केट के हालात, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हालात। अब बात करें बिटकॉइन को लेके, तो भाई बिटकॉइन जो हमारा भाई जान है वो अभी भी $28,022 पे जो चल रहा है, और पिछले 24 घंटों में 1.2% डाउन जा चुका है। वहीं पे हमने देखा कि ईथर भी हमने देखा कि 1816 पे चल रहा है, बीएनबी 310 पे चल रहा है, और यहाँ पे डोज कॉइन ने काफी धूम मचाई हुई है। अभी भी करंटली हमने देखा है कि 0.9 पे समथिंग चल रहा है। तो भाई ये ओवरऑल मार्केट के हालात है, डोज कॉइन के हालात है, फ्लोकिनो के हालात है। अब बात करें भाई क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चीजें हमें फ्लोकिनो वाला अलग अलग मिल रही है। तो भाई फ्लोकिनो की अगर मैं बात शेयर करूं तो भाई रियल फ्लोकिनो अभी एक ओल्ड लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, जो क्रिप्टो लव की तरफ से ट्वीट किया गया, जो हमने देखा कि फ्लोकी इज नाउ लिस्टेड ऑन cape.finance। जी बिल्कुल, cape.finance एक और नया प्रोजेक्ट है जो उन्होंने क्या किया है, जो भाई वाला जो मेटावर्स का जो टोकन फ्लोकिनो है उसको खुद की प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है कि भाई फ्लोकिनो जो है अब नई नई जगह पे और भी अपनी लिस्टिंग्स के लिए जो पोजीशंस वगैरह है वो बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इलॉन मस्क ने कुछ एक बार तकरीबन पहले जो या दो माह पहले एक ट्वीट किया था कि लुक लाइक फ्लोकी इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब एज इट्स योर। जी बिल्कुल, यहाँ पे इलॉन मस्क ने एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें ट्विटर का लोगो बना हुआ था, फ्लोकी की तस्वीर थी, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई फ्लोकी का जो नया सीईओ है वो फ्लोकिनो है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि भाई फ्लोकिनो में हमें एक अच्छी खासी बुल रन भी देखने को मिली थी। तो अब लोग उसको लेके काफी अभी भी एक्साइटेड है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही डोज कॉइन ट्रेंड पे गया तो डोज कॉइन के साथ हमने देखा कि भाई फ्लोकिनो ने भी एक अच्छी खासी ट्रेंड पकड़ी। उसके बाद हमने देखा कि भाई फ्लोकिनो जो फेसबुक पे भी काफी एडॉप्शन कर रहा है, क्योंकि फ्लोकिनो हमने देखा कि फेसबुक के ग्रुप्स और कम्युनिटी अलग से बना रहा है, वहीं पे ग्रो हो रहा है। तो वहां पे हमें एक दूसरी चीज हमें देखने को मिली कि फ्लोकिनो जो था पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी और मोस्ट सर्चेड जो क्रिप्टो करेंसी बना गया गेट आईओ पे। हमने देखा कि फ्लोकिनो को यूजर ने काफी सर्च किया है गेट आईओ जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पे। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो भैया फ्लोकिनो का लोगो कहाँ पे चेंज होने वाला है, क्योंकि फ्लोकिनो को आप जानते हैं कि इलॉन मस्क काफी अप्रिशिएट करता है। तो अब जो यूजर से यहाँ पे बीएससी जेम्स की तरफ से ट्वीट किया गया है कि इलॉन मस्क चेंज द ट्विटर लोगो टू बेबी डोज और फ्लोकी। जी बिल्कुल, इलॉन मस्क जो है वो डोज का जो लोगो है उसको चेंज करेगा। क्या
फिलोकिनो में चेंज करेगा के भाई या बेबी डोज कॉइन में करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है अभी भी, मे भी हो सकता है इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को एक अच्छा खासा पंप दिलाया, तो यहाँ पे लोग जो है वो काफी एक्साइटेड हैं कि मे भी जो इलॉन मस्क का जो नेक्स्ट टारगेट हो वो फिलोकिनो, क्योंकि हमने देखा था पहले भी इलॉन मस्क जो फिलोकिनो को लेके काफी सारी ट्वीट्स वगैरह कर चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप फिलोकिनो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई हमें ट्विटर के लोगों की जगह फिलोकिनो देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज थैंक यू।